नंबर एक स्टीफन हॉकिंग्स। 21 साल की उम्र में जब आप और हम कॉलेज की दुनिया एंजॉय करते हैं, उस उम्र में इस बंदे को मोटर न्यूरॉन डिसीज नामक एक बीमारी का सामना करना पड़ा। इसमें इंसान के बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर ने इन्हें यहां तक बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रह पाएंगे, और धीरे धीरे इनके एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स काम करना बंद हो गए और इन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। इस सब में इस बंदे ने बाकी तो सब खो दिया, पर इसने अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई, और मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ये बंदा दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गया, जिन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और साथ ही साथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक एक किताब भी लिखी जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये बंदा ना चल सकता था, ना बोल सकता था, और ना ही कुछ कर सकता था, फिर भी सिर्फ अपने दिमाग के जोर पर, जो खुद हिल नहीं सकता, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इनके पास तो जेन्युइन रीजन था कुछ भी ना करने का, पर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बन पाते। अगर हमें सर्दी जुकाम भी हो जाए तो हम 4-5 दिन तक कोई काम नहीं करते, और इस बंदे ने अपने जिंदगी के 55 साल एक व्हीलचेयर पर निकाल दिए, और जो कोई नॉर्मल बंदा भी शायद अचीव नहीं कर पाता, वो अचीव करके दिखा दिया। यही है वो पागलपन जो हर कामयाब बंदे में आपको देखने को मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी कुछ ऐसा पागलपन आए आपके सपनों के लिए, क्योंकि अगर इतनी मुसीबतों के बावजूद ये बंदा कर सकता है तो इतनी फैसिलिटी के साथ हम क्यों नहीं। बस जरूरत है आलस को बाहर फेंकने की और इनके जैसा पागलपन अपने अंदर लाने की। कहानी नंबर 2, निक होजेस। दोस्तों मान लो कि अगर 1 घंटे के लिए कोई आपके हाथ पर बांध दे तो उसे 1 घंटे में खाली बैठने के अलावा आप और कुछ कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास ना हाथ है ना पैर है। टेट्रामेलिया सिंड्रोम नामक एक बीमारी की वजह से जन्म से ये ऐसे है। ये सुनने में आसान लगता है दोस्त, पर जरा इस बंदे की जगह पर जाकर महसूस करो इस चीज को। और ऐसी हालात में इसने अपनी पढ़ाई और स्ट्रगल किया और आज भी कर रहा है, और ऐसी सिचुएशन में जहाँ किसी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी वहाँ ये बंदा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है, और आज दुनिया का वन ऑफ द टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से ये एक है। 60 से भी ज्यादा कंट्रीज में निक ने अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स लिए, एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन। पैर का नाखून निकल जाए तो 2 दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकलते, और ऐसी हालात में ये बंदा करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहा है। क्या अब भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? निक कहते हैं जिंदगी में मुश्किलें आना तो आम बात है, और मुश्किलें ही वो सीढ़ी है जो हमें कामयाबी तक पहुंचाती है। नाकामयाब होने के 1000 रीजन हो सकते हैं दोस्त, पर तुम्हें उस एक रीजन पर फोकस करना है जो कामयाबी को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दे, और ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लाओ। निक हमेशा कहते हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कहानी नंबर 3, मुनीबा मजारी। 18 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई जिससे चलना फिरना पूरा बंद हो गया। साथ ही एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी माँ बनने की काबिलियत को भी खो दिया, और ऐसी हालात में इन्हें 2 साल एक बेड पर गुजारने पड़े। इसी बीच इनके पति ने इन्हें तलाक दे दिया। एक ऐसा टाइम था जब ये अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुकी थी, और फिर एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया इस हालात से बाहर निकलने का और अपने सपनों को पूरा करने का, और झोंक दिया खुद को इस आग में। और आज ये बंदी वर्ल्ड फेमस पेंटर, व्हीलचेयर मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और पॉपुलर टीवी एंकर है, और इसी की बदौलत जो कभी खुद को नहीं संभाल सकती थी वो आज कईयों के लिए रोल मॉडल है। इन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये होती है ताकत अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की। अगर तुम्हारी सोच, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तुम रास्ता खोज ही लोगे। कहानी नंबर 4, श्रीकांत बोला। दोस्तों अगर रात में लाइट चली जाए तो कमरे से बाहर निकलना भी हमें मुश्किल हो जाता है। वैसे में जो बंदा बचपन से अंधा है उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वेट, आपका इमेजिनेशन कहीं और जाए इससे पहले इस बंदे की कहानी एक बार सुन लेना। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके लाइफ में अंधेरा जन्म से था, लेकिन बचपन से इसमें पढ़ने का इतना बड़ा जुनून था कि अंधेपन के बावजूद ये बंदा रोज 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता था। 10वीं के बाद इनके अंधेपन की वजह से इन्हें साइंस में एडमिशन नहीं मिला, तो इस बंदे ने कॉलेज पर ही केस कर दिया, और फिर 6 महीने बाद इनको एडमिशन मिल गया। और खाली एडमिशन नहीं लिया, इस बंदे ने 12th के बोर्ड एग्जाम में 98% से अपने कॉलेज में टॉप कर दिया, और इसके बाद कैम्ब्रिज के MIT यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ऐसी स्ट्रगल करते करते 2012 में इन्होंने रतन टाटा की मदद से बोलंट इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंपनी शुरू की, और हजारों हैंडीकैप्ड लोगों को काम भी दिया। 2018 में इस कंपनी का टर्नओवर था 150 करोड़। जो बंदा खुद देख नहीं सकता वो हजारों को काम दे रहा है, इजंट इट ग्रेट? और इसी की बदौलत 2017 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 के लिस्ट में इस बंदे का नाम शामिल किया गया। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा कर सकता है तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। कहानी नंबर 5, स्पर्श शाह। दोस्तों एक 14 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे जिसको बचपन से एक बीमारी है जिसे ब्रिटल बोन डिसऑर्डर कहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बंदे को अगर आप जोर से सेकेंड भी करोगे तो उसके बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसी बीमारी के साथ जन्म हुआ स्पर्श शाह का। जन्म के वक्त इसके बॉडी में 130 फ्रैक्चर थे। बिना किसी के मदद के ये चल फिर भी नहीं सकता था, और ऐसी हालात में इस बंदे ने सपना देखा एक म्यूजिशियन बनने का,
और 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और खुद को इतना बेहतर बनाया कि वर्ल्ड के बेस्ट रैपर एमिनेम के गाने को एमिनेम से भी फास्ट गा दिया। और आज ये बंदा केवल 14 साल की उम्र में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर और मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद अगर ये लोग कर सकते हैं तो साला दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तू नहीं कर सकता। मुश्किलों तो हर एक के लाइफ में आती है, पर कामयाबी उन्हीं के पीछे भागती है जो इन मुश्किलों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। अगर आप सोचते हो कि किसी मुश्किल या किसी प्रॉब्लम की वजह से तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो यकीन मानना दोस्त, ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है और विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते। आग लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।